के सामने है कि जो इस वक्त में पार्लियामेंट में जो ट्रिपल तलाक से ट्रिपल तलाक से जो ऑर्डिनेंस करना चाहिए है उस ऑर्डिनेंस के बाद में ये बात आई कि वो ऑर्डिनेंस दायर का जानते हैं कि उसकी एक मुद्दत होती है, उस मुद्दत से अगर वो पार्लियामेंट में मंजूर नहीं होता तो लैप्स हो जाता है। तो कोर्ट ने ये कहा कि अगर वो लैप्स हो गया तो कुछ नहीं, अगर अगर उस पर बेल बन जाए, बेल बन के वो एक्सेप्ट हो जाता है पुराना काम, तो फिर हम उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हैं। एक बात है बल्कि महिलाओं के खिलाफ है इस फॉर्मेट में जो बिल आया है वो मंजूर नहीं। अगर कहिए कि हमने ये एक कमेटी बनाई है और कमेटी का ये काम है कि वो इस दरमियान में जो सिक्योर पार्टियों के लीडर्स हैं उनसे मुलाकात करके कहेगी कि पार्लियामेंट में ये पारित नहीं होना चाहिए, ये बिल जो शॉप में ये जो ऑर्डिनेंस है वो पारित नहीं होना चाहिए और जो बिल पहले से करनी है वो भी मंजूर नहीं होना चाहिए। तो ये खास बात है इसके अंदर। और इसके साथ साथ हमारे के कार के इजाज में और भी कई बातें सामने आई। अगर एक बात हमने अपने ये थी कि बाबरी मस्जिद मुताले हमारा जो स्टैंड है वो पहले भी क्लियर था, इसको हम रिग्रेट करते हैं इस बार कि अदालत का सुप्रीम कोर्ट का जो फाइनल जुडिशियल वर्डिक्ट होगा वो हमारे तलाक को लेकर के क्या है कि क्या कानून, किस कानून को चैलेंज करने की बात हो रही है? ये कानून जो ऑर्डिनेंस आया है जिससे उन्होंने तीन साल की सजा दी है, इस कानून को अभी इसलिए चैलेंज नहीं किया गया कि अभी ये परमानेंट लॉ नहीं है, टेम्पररी है। जब पार्लियामेंट में आएगा और वहां से अगर अप्रूव हो गया तब फिर इसको चैलेंज करने की बात होगी। और अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि ये कानून परमानेंट न होने पाए, इसके लिए राज्यसभा में जो पॉलिटिकल पार्टी जिन्होंने पहले हमको रोका था उस बिल को, उनसे रब्ता करने की कोशिश किया।